नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह झांसी का जो आप इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक का बोर्ड देख रहे हैं सामने अंदर, यह इलाहाबाद बैंक है। यह झांसी का इलाहाबाद बैंक चौराहे का रास्ता है जो कि सीधा आपको इलाइट की ओर ले जाता है, यानी मुख्य चौराहा झांसी का जो इलाइट है उसकी तरफ ले जाता है। और साथ में ही जो आप यहाँ से दाएं तरफ टूसीटर मुड़ते हुए देख रहे हैं, यह रास्ता चेल चौराहे की तरफ निकल जाता है। हम आपको इस रास्ते पर किस प्रकार की नए डेवलपमेंट हो रही है दिखाते हैं। यहाँ ये देख सकते हैं, बड़ा जो, जैसा कि हमने आपको बताया है कि रमेश शर्मा जी जो पूर्व मंत्री थे, उनके परिवार के द्वारा यहाँ पर एक बड़ा, यहाँ पर देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। बहुत खूबसूरत है, ये तैयार हो रहा है। इसके बाद ये आपकी सेवा के लिए तयार हो जाएगा। आरएनएस वर्ल्ड स्कूल भी इन्हीं का है, जैसा कि हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। हम आपको इलाहाबाद बैंक चौराहे से इलाइट की ओर जाने वाले मार्ग पर, जहां आपको झांसी के एसएसपी का बंगला तो दिखेगा, विवाह गार्डन भी दिखेगा। ये रास्ता जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से सीधा जेल चौराहे की तरफ निकल जाता है। ये आप यहाँ से जाएंगे तो ये रास्ता सीधा जेल चौराहे पर निकलेगा। और यहीं पर आपको ये आशीर्वाद गार्डन, झांसी का बड़ा फेमस गार्डन है, आशीर्वाद गार्डन दिख जाएगा। और सामने जो आप देख रहे हैं पेड़ वाला इलाका दिख रहा है, यहाँ पर वन विभाग के अधिकारी के साथ में बगल में झांसी के एसएसपी का ऑफिस, माफ करें कार्यालय, उनका आवास है। और ये है वो है। अब हम आपको इस मार्ग पर आगे कुछ जो बड़े यहाँ पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले हैं, जिसमें बीकानेर वाला, अग्रवाल साहे समेत तमाम बड़े जो यहाँ पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उनके बारे में आपको दिखाते हैं किस प्रकार के। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आपको पता चल सकेगा कि इलाइट से स्टेशन रोड जाने वाले मार्ग पर कौन कौन से नए नए बड़े ब्रांड के शोरूम हैं और किस प्रकार की यहाँ पर हलचल है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज मंगलवार का दिन है, लेकिन कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले होंगे, हम उनको दिखाते हैं। लेकिन आप इनको बाहर से भी देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल सकेगा कि झांसी में बड़े ब्रांड के शोरूम इस मार्ग पर हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये आपको दिखाई दिया जाएगा, ये अग्रवाल साहेब का शोरूम है गारमेंट्स के लिए झांसी में। ये आपको जैसे बताया कि ये एसएसपी का आवास है, उसके ठीक सामने यह बना हुआ है अग्रवाल साहेब झांसी में। अगर आपको इस शोरूम की तलाश है तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। खूबसूरत है, डिज़ाइनेबल है और बहुत खूबसूरत कपड़े यहाँ पर मिल जाते हैं। ये जैसा कि आप देख भी सकते हैं, सामने आपको ये दिखाई दे जाएंगे। तो कभी आपको अगर ज़रूरत हो तो आप यहाँ पर इस ब्रांड के कपड़े खरीदने के लिए आ सकते हैं। इसी अग्रवाल साहिब से थोड़ा सा अगर आप आगे चलेंगे चंद कदम के बाद, यहाँ पर झांसी में जो सैनको ज्वेलर्स है, पहले इनकी दुकान इलाइट पर थी, लेकिन अब यहाँ पर शोरूम यहाँ आ गया है एसएसपी ऑफिस के, माफ करें, एसएसपी आवास के ठीक सामने आ गया है। ये देख सकते हैं झांसी का बड़ा शोरूम है सैनको गोल्ड डायमंड। हम आपको मार्केट संवाद पर आप इसके विज्ञापन भी देखते होंगे। और इसी के बगल में झांसी में जो बीकानेर वाला है, उनका भी यहाँ पर शोरूम है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बीकानेर वालों का शोरूम है झांसी में। अगर आपको जानकारी ना हो तो हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि झांसी में कौन कौन से बड़े ब्रांड के शोरूम कहाँ कहाँ हैं और किस प्रकार से आपको दे सकते हैं। ये खूबसूरत आपको दिख रहे होंगे फेवी इंडिया का भी यहाँ पर शोरूम आपको दिखाई दे जाएगा, और मैपलिफ बैंकेट भी यहाँ पर है। ये जो मार्ग है ये भी बहुत बदल गया है, और यहाँ पर ये जो तनिष्क का शोरूम झांसी का है वो आप जैसा कि जानती हैं उसी मार्ग पर है, और इसके बगल में ही झांसी का होटल यात्रिक जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी फेमस है। और इस होटल के बगल में अब कल्याणी ज्वेलर्स झांसी में भी है। ये तनिष्क दिख रहे हैं आप, और तनिष्क के बगल में आपको
दिख रहा होगा, कल्याणी जिसके ब्रांड एम्बेसडर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हैं, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। तो झांसी में कल्याणी का शोरूम आपको अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ आ सकते हैं। और कल्याणी शोरूम के बगल में, जैसा कि हमने आपको बताया है कि झांसी का जो यात्रिक होटल है वो आपको दिखता है। तो झांसी के ये देख सकते हैं होटल यात्रिक बगल में है, और ये कल्याणी ज्वेलर्स है, और ये होटल यात्रिक है, झांसी का बहुत पुराना और बहुत अच्छा होटल माना जाता है। यह यहाँ पर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। और ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो झांसी का जो मुख्य लाइट चौराहा है वो आ जाएगा। इसी मार्ग पर इस होटल से थोड़ा और आगे जब आप चलेंगे तो जो मनु विहार कॉलोनी है झांसी की, उसका यह रास्ता है। यहाँ से देख सकते हैं यह लिखा हुआ है मनु विहार में आपका स्वागत है। ये अंदर मनु विहार कॉलोनी का रास्ता जाता है, ये सीधा रास्ता मनु विहार में जा रहा है। बदलते समय के साथ हर मार्ग पर अब आपको झांसी की बड़ी बड़ी व्यवसायिक गतिविधियाँ चहल पहल नज़र आने लगी है। सामने यह नेशनल इंश्योरेंस का कार्यालय है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और इसी मार्ग पर हिमालय वेलनेस कंपनी का भी यहाँ पर है शोरूम खुला हुआ है। तो पूरा मार्ग आपको व्यवसाय गतिविधियों से नज़र आएगा, और यहीं पर आपको रिलायंस का भी ज्वेल शोरूम भी नज़र आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिलायंस का ज्वेल्स का रूप है, ज्वेल्स का जो शोरूम है वो भी आपको यहाँ है। और ये सामने जो पीली बिल्डिंग देख रहे हैं, ये झांसी की मुख्य लाइट टॉकीज का बिल्डिंग है, भवन है, और सामने चौराहा है। तो आपको झांसी के इलाइट से इलाहाबाद बैंक चौराहे जाने वाले मार्ग पर कई सारे जो बड़े प्रतिष्ठित शोरूम हैं वो हमने आपको दिखाए बताए। और कभी आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको अगर इन शोरूम के बारे में जानकारी लेना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, देख सकते हैं। इस मार्ग के वीडियो को आपने पूरा देखा, आपको एयरपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।